आपके अंदर आ गया फालतू फालतू के messages भी आते हैं कि भाई रुपए का रिचार्ज कर मुझ मुझे मुझे एक्चुअली कजन वाला फील देती है बताया था ना मेरी एल्बम आ हाँ। रही हाँ। है कैसे ठंडी हाँ। yes. तेरा काम क्या यहाँ मुझे देखता है मुझे कैसे पता लगेगा यार और बोलते ये आपका बहुत बड़ा फैन है उसके दांत भी नहीं निकले बच्चे के नहीं पकड़ना भाई तुम लोगों के बच्चे टेलीविजन जी अच्छा, अच्छा। नींद पूरी नहीं हुई अशोका हाँ क्यों नहीं उठाया अशोक एक सेकेंड काला चश्मा मुझे तो मुझे बहुत validation जब सर से मिली, से मिली मिली मेरे कोच तो वो अलग एक फील होता है के के लिए आले के के साथ जो हुआ था 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 इतनी इतनी अच्छी बेमिसाल है वो बस एक दो चीजें अभी तो तो मजा नहीं लग गया था। भाई मैंने तो था। मैंने मैंने बहुत ही पूछा पूछा वाला भी तुम्हारे तुम्हारे मेरे मेरा से कुछ What's happening guys? This is and ये है और आज के शो में जो गेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है उनका इंट्रोडक्शन तो देने की जरूरत नहीं आप देख के पहचान देंगे लेकिन आए हैं तो देंगे सो प्लीज वेलकम राघव जोयाल वो होस कृतिका कामरा एंड पेशेंस सॉरी धैर्य

मैं भूल रहा हूं। शायद से क्योंकि हाँ, हाँ, जहन में हाँ। रहता नहीं कि भाई कौन है कोई बड़ा प्रोड्यूसर जैसा कपड़े पहने थे सब हाँ गोल्ड और वो सब, और वो सब बहुत कौन सा प्रोड्यूसर है ने, ने हाँ। ने, ने। मतलब होता नहीं है मतलब अमीर अमीर आदमी आदमी था था यार यार मेरे से अमीर दिख रहा था यार ठीक है वो मेन है तो वो मैं बैठा था ऐसे कर रहा था मुझे लाउंज में मैंने कहा यार ये कौन है सोच रहा हूँ पूरे टाइम सोच रहा हूँ फिर हम प्लेन में बैठ गए

याद करो याद करो ओके okay, याद करो याद करो याद करो याद करो मेरा सॉरी सर सॉरी रोज देखते हैं आपको टीवी में भूल गए इतनी जल्दी मतलब तेरी मां को तू टीवी मुझे देखता है मुझे कैसे पता लगेगा यार मैंने सब छोड़ी सिर्फ सोचता रहा कौन है तो रानी साहब भी ऐसे नहीं दिखते <laughs> रोशन जी भी नहीं दिखते कौन है प्रोड्यूसर बहुत बड़ा है कोई भाई <laughs> मुझे कान ले कैंस लेकर जाएगा ये Okay, और एक और चीज होती है विच इज वेरी क्यूट आई नो बट अलॉट ऑफ टाइम्स लोग चाहते हैं कि आप वो आप वो अपने बच्चे बच्चे के साथ आपकी फोटो लें और बच्चे। <laughs> को पता भी नहीं है कौन <laughs> है हाँ। और वो में सुन लिया मतलब मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ मुझे पता है कि इट्स वेरी स्वीट मैं कभी मना नहीं करती इट्स इट्स क्यूट बट और बोलते हैं ये आपका बहुत बड़ा फैन है उसके दांत भी नहीं निकले बच्चे के उसे कौन पता लग रहा है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है सच्ची में नहीं पकड़ना भाई तुम लोगों के बच्चे समझ गए राघव भाई एक बात बताओ ये लोगों ने कितनी बार पूछ लिया आप तीनों से कि आपका रोल क्या है ग्यारह ग्यारह में नहीं। 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 और कितने आप फ्रस्ट्रेट इरिटेट हो चुके हो सच्ची बताना आपको यार मुझे सबसे ज्यादा बकवास लगता है किसी को ये बताना कि जब कोई पूछता है आपका कैरेक्टर प्रिपरेशन कैसा था किसी भी चीज में बोलो कैमरे में मैंने आपसे नहीं पूछा है बिल्कुल नहीं पूछा है आपने अच्छा लगा ना आप... बहुत अच्छा लगा आपने बहुत अच्छा सवाल मेरी बहुत अच्छी <laughs> नस पे आपने टच किया राघव एक बात बताओ यार एक्टिंग आप कर रहे हो सीरियस वाली

बाकी ऐसा कुछ है नहीं गाने का भी प्लान नहीं है और अचानक से आपसे गाने के बाद बात बोलते बोलते मेरी आवाज भी मोटी हो गई है ताकि लोगों को ये लगे मैं गा भी सकता नहीं फिर आप आरजे बन सकते हो अच्छा आरजे बन सकते हो।, हो वो तो बन सकते हो भी वो। अभी भी ऐसा नहीं किसी वैसा वाला आरजे हो बनवा

ये कर देंगे एक चीज और हाँ। ट्राई करें हाँ। गाना सकते हो क्या <coughs> अभी जो वो <coughs> एक बार तो दो, दो कह रहा हाँ। यार मुझे कसम <laughs> आता ही यार। Please, यार, <laughs> Please, <laughs> है? नहीं तेरा काम क्या यहां बीत नहीं पास में चांदनी तू लौट जा फूल क्यों खिले हो तुम

तृप्ति डेबड़ी जब नेशनल क्रश बनी हुई मुझे मुझे एक्चुअली कजन वाला फील देती है <laughs> क्योंकि मैं एक्चुअली वो मेरी जगह से भी है तो मुझे फील नहीं मुझे उससे वैसा कजन वाला फील आता है मैं क्या करूं अलग ही हाँ पता नहीं क्या है सब लोग मुझे बोलते रहते तू पागल है ले आ... लेकिन मुझे आता है उससे सिस्टर कजन वाला फील वो आता है। एनिमल वाली फील नहीं मतलब एनिमल वाली फील मैं मैं समझ रहा हूँ एक चीज पूछनी है शो का नाम ना मेरे बैक स्टेज एक्सेस है जहाँ पे मैं थोड़ा बिहाइंड द सीन्स पूछता हूँ कोशिश कर रहा हूँ बता हाँ, सको टेलीविजन हाँ। में ज्यादा पैसा है या मूवीज टेलीविजन में है। सिंपल अभी है तो टेलीविजन तो में है हमारे लिए टेलीविजन हाँ। में बहुत कम्फर्टेबल लाइफ होती है टेलीविजन की बहुत जितना काम करते हो उतना पैसा मिलता है वैल्यू होती है एक पागल ही होगा जो इतनी अच्छी कम्फर्टेबल लाइफ छोड़ के

आप लोगों से जब से ट्रेलर आया तब तो से हाँ यार हाँ पी यार ने बोल दिया कि मिनट और और ले लो ठीक है है जी अच्छा 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 टाइम ट्रैवल की बात हो रही काफी लोगों ने आपसे पूछा हुआ जब से ट्रेलर आया कि <laughs> पास्ट में जाके क्या करना चाहते हैं मैं नहीं पूछूंगा पास्ट में लेके चलता हूँ आपको

मैंने पहले पहले उठाया था ना पहले, हाँ तो ना तो ठीक है साथ में बोल अर्जुन गुड ओके 2001 फिल्म द शाहरुख़ खान एंड करीना कपूर हाथ है? क्यों नहीं उठाया क्यों बात यार? क्या बात है यार मुझे काइंडली नोट मैंने अशोका भी बोला बहुत सही बोला सीरियस मुझे वो थोड़ा लगता है मोमो मोमो सो व्हिच 2016 मूवी फीचर्ड द हिट सॉन्ग काला चश्मा अह एक सेकंड यार चलो काला चश्मा नहीं और सिद्धार्थ मल्होत्रा था उसमें हां है ना उधर हां एक सेकंड कौन बताएगा भाई मेरे को लगा वो बता रहा था

हाथ क्यों उठाया हां तो ठीक है थोड़ा सिंपल भी पूछूंगा ना हाँ तो... हाँ yes. हाँ तो पर अगर कोई उठा ही नहीं तो हार्ड पूछो यार थोड़े इन 2016 व्हिच एक्ट्रेस मेड हर बॉलीवुड डेब्यू इन द मूवी एमएस धोनी एक्ट्रेस यस दिशा पटनी हां तो दिशा पटनी रूल ही नहीं है भाई दिशा पटनी यस yes, दिशा पटनी ये रूल ब्रेकर्स यू सी इन 2001 व्हिच फिल्म फीचर्स द मेमोरेबल लाइन तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ कुछ कुछ होता है यार ओए होए होए क्या बात है बहुत तो राघव हाथ ना उठाए चलेगा मैंने मैं उठाया ना आंसर के बाद क्यों कुछ टाइम पहले आपके मेंटोर आपके टीचर सौरभ सचदेवा सर से बात हो रही थी उन्होंने बड़ी तारीफ करी यार आपकी और उन्होंने बोला कि राघव एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने दो-तीन बार एक कोर्स को किया एक्टिंग कोर्स का मतलब एक बार में समझ नहीं आया होगा ना ऐसा था क्या

फीवर एफ एम की टैगलाइन हैपनिंग है, हैपनिं। है, है. है. है, है। एच क्यू चेक करेंगे ठीक है ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए ट्वेंटी वन कंट्रीज भेजे ना इस बार मेरे को ये पूछना इकीज? ही नहीं है कहाँ हो रहे हैं ये पूछना है मुझे ओलंपिक्स इस बार हो रहे हैं आपका कोरिया आई थिंक गुड

अपनी? हाँ, इसकी तो हो हाँ, है। हम लोगों को जो एक्टर्स हैं है। उनको सब कुछ जानना इंसान की अब मैं मेरे को जानना जरूरी है। नहीं है हर चीज ना हर चीज का ज्ञान लेना जरूरी नहीं गुस्सा हो गया ठीक है नहीं नहीं आलिया भट्ट के बेचारी के साथ जो हुआ था इतनी अच्छी एक्टर है इतनी बेमिसाल एक्टर है वो अपनी जो जॉब है वो इतने अच्छे से करती है

Thank you for your time 11 11 z5 9th august with my brother jatin jatin thank you so much jatin as jatin lalit fever fm happening happening happening